जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसे भगवान के नाम का प्रसाद दिया जाता है। अक्सर वह प्रसाद कोई मीठी वस्तु जैसे लड्डू या हलवे के रूप में दिया जाता है, लेकिन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित एक मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को बर्गर, ब्राउनी, सैंडविच और चेरी टमाटो का सलाद दिया जाता है। जी हाँ, जय दुर्गा पीठम मंदिर के नाम से पहचाने जाने वाला यह मंदिर अपने प्रसाद को लेकर काफी प्रसिद्ध है। चेन्नई के इस मंदिर की स्थापना करने वाले एक हर्बल ऑन्कोलॉजिस्ट के श्रीधर ने कहा कि प्रसाद के रूप में किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे श्रद्धा भाव से और पवित्रता के साथ बनाया गया हो। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। यहाँ काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और मंदिर का यह प्रसाद ग्रहण करते हैं और उन्हें यह प्रसाद बेहद पसंद भी आता है। वहीं इन सभी चीजों के पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। इसके साथ साथ मंदिर के भीतर एक वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मशीन में टोकन डालते हैं और डिब्बे में बंद प्रसाद बाहर आ जाता है। वहीं मंदिर में पौधे के प्रसाद देने की भी परंपरा शुरू हुई है। इसके अनुसार जिस भक्त का जन्मदिन है उसे उस खास बर्थडे केक प्रसाद के रूप में दिया जाएगा।